अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। पिछला व्लॉग मैंने जहाँ से ख़त्म किया था, मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था आपके साथ। 12:30 बजे तक मैंने वो सारा काम फिनिश किया था, जिसमें कि दोपहर ही हो गया था वो सारे काम करते हुए। और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, उसके बाद में कुरान वगैरह थोड़ा सा मैंने पढ़ा था। और फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं 3 बजे, तो उनकी छुट्टी होती है 3 से 5। तो फिर अभी मैं 5 बजे के बाद मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद दोबारा से मैं क्लीनिंग करती हूँ सारे रूम की, सामने वहाँ से सारा क्लीन करती हूँ। उसके बाद में मैं सीधा ही खाना बनाने लग जाती हूँ। शाम का टाइम हो जाता है तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। बच्चे मेरे जा चुके थे अभी थोड़ी देर पहले, मेरे बच्चे गए हैं, फौरन मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, खाना बनाना शुरू कर देती हूँ मैं। और ये मैंने तोरी के छिलकों को बॉईल कर लिया है, जिसकी बनानी है मुझे चटनी। और उसी के लिए मैं ये लहसुन को बारीक बारीक कट कर रही हूँ, ताकि उसमें मुझे देना था तड़का, तो इसलिए मैं लहसुन को बारीक बारीक कट कर रही हूँ। क्योंकि ये छिलकों की चटनी मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत उन्हें अच्छी लगती है ये। वो कहते हैं कि तोरी से भी ज़्यादा टेस्ट इसके छिलकों की चटनी में आता है। तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, अगर छिलके अच्छे होते हैं, तोरी के फ्रेश होते हैं और साफ़ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो मैं ज़रूर से उनका चटनी में यूज़ करती हूँ। बट अगर छिलके ठीक नहीं होते हैं, तोरियाँ ज़्यादा साफ़ नहीं होती हैं, तो मैं फिर उन्हें यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे एकदम फ्रेश थे ये छिलके, ताज़ी तोरियाँ थी, फ्रेश थी तोरियाँ, तो मैंने इसलिए छिलकों की चटनी भी बना ली साथ में। और मैंने 2 तरह की तोरी भी बनाई थी, तोरी मैंने ज़्यादा ले ली थी। तो तोरी मुझे पसंद है हरी मिर्च की तोरी, और मेरे हस्बैंड को पसंद है मसाले वाली तोरी। तो मैंने 2 तरह की तोरी बनाई थी। थोड़ी सी तोरी मैंने अपने लिए बनाई थी, जो कि मैं बना रही थी हरी मिर्च वाली, सिर्फ उसमें मुझे हरी मिर्च, हल्दी, इसमें मैंने हींग और ज़ीरे का पहले तड़का लगाया है मस्टर्ड ऑयल में। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी हल्दी को पानी में थोड़ा सा लिक्विडी सा बना के डाला है, ताकि हल्दी जले ना। पाउडर फॉर्म में अगर मैं उसे डालूँगी, पाउडर में डालूँगी, तो वो जल जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और फिर तब उसको थोड़ा सा भुना है, ताकि हल्दी की जो कच्ची वाली महक होती है वो निकल जाए। तो उसको भूनने के बाद में मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, और फिर मैं इसमें सीधा ही तोरियां डाल दूंगी थोड़ा सा इसको भूनने के बाद, क्योंकि हल्दी की महक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से भून लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और इसको भूनने के बाद मैंने इसमें तोरियां ऐड कर दी हैं। ये देखें, काफ़ी सारी तोरियां थी, तो इसलिए मैंने 2 तरह की तोरियां बनाई हैं, एक जो कि मुझे पसंद है और ज़्यादा सी मैंने थोड़ी इसलिए बनाई है, मेरे हस्बैंड को पसंद है मसाले वाली। बट इस बार उन्होंने भी ये हरी मिर्च वाली ही तोरी खाई थी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली। तो ये मेरी हो गई हैं रेडी, इनको मैंने कवर करके रख दिया है, और ऑलमोस्ट चटनी भी मेरी रेडी होने लगी है। और सिल पे अगर इनको पीसते हैं तो बहुत ही अच्छा सा उसमें फ्लेवर आता है। अगर चाहें तो हम मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट उसमें मुझे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं लगता है इसका, तो इसलिए मैंने सिल पे इसे पीसती हूँ ज़रूर, मैं मिक्सर में इसे ग्राइंड नहीं करती हूँ। और ये मेरी ये वाली तोरी हरी मिर्ची वाली बनके हो गई हैं रेडी। इन्हें मैंने उतार लिया है, और एक दूसरे वाले पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसको अच्छे से मैंने पकाया है। फिर इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया है, और सिंपल जैसे कि मैं मसाले डालती हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ओनियन का, और उसके बाद में मैंने इसमें टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद में मैंने इनको सबको अच्छे से भुना है बहुत देर के लिए लो फ्लेम पर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भूनने के बाद 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें तोरियां ऐड कर दी हैं, और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड किया है। जो हरी मिर्च वाली तोरी थी उनमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, बट इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये देखें। और अब मैं इन्हें अच्छे से कवर करके रख दूँगी पकने के लिए, और इतने ही वो पकेंगी। इतने मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने उन्हें भी वॉश कर लिया था।
मसाले वाली तोरी भी मेरी बनकर हो गई थी रेडी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। मेरे हस्बैंड के आने के बाद वो जैसे ही फ्रेशन अप होते हैं फ़ौरन बाद ही मैं उनको खाना दे देती हूँ। मैं ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ खाने के लिए, मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से मैं उन्हें खाना दे दूँ। सबसे पहले आटा गूंद के रख देती हूँ ताकि आटे को रेस्ट मिल जाए और अच्छे से रोटियाँ भी अच्छे से बन जाएँ। बट आज आटे को रेस्ट नहीं मिला तो रोटियां बिल्कुल भी नहीं अच्छी बन रही थी। दोनों तोरी की सब्जियां और एक चटनी हो गई थी बनके रेडी। अब मैं बाकी की सब्ज़ी लेने गई थी किचन में और हमने खा लिया था खाना। उसके बाद ये देखें मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था और किचन के जो कुछ टॉल वगैरह थे वो भी मैंने वॉश करके इधर सुखा दिए थे ताकि उनको रात में सुखा देते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं वो सुबह तक और फिर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद में अब हो रहा था 9:30 बजे का टाइम रात का और मेरा मन किया पकौड़ियाँ खाने का और बहुत ही ज़्यादा मेरा मन कर रहा था तो आज पकौड़ियाँ मेरे हस्बैंड बना रहे थे मेरे लिए, हम सबके लिए बना रहे थे एक्चुअली। और वो कट कर रहे थे प्याज चॉपिंग बोर्ड पे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चॉपिंग करनी आती है चॉपिंग बोर्ड से, वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा फास्ट चॉपिंग करते हैं। मैं तो खैर नहीं कर पाती हूँ अच्छे से प्रॉपर, मुझे चॉपिंग नहीं करना आता है चॉपिंग बोर्ड से, बट उनको बहुत अच्छे से चॉपिंग आती है चॉपिंग बोर्ड से। और ये देखें उन्होंने हरी मिर्चें भी कट की हैं और थोड़ी सी प्याज भी उन्होंने कट करी है और बेसन भी इसमें ऐड कर दिया था और ये उन्होंने अजवाइन और धनिया साबुत जो होता है उसको उन्होंने कूटा था, ये छोटी सी हमारे पास कूटनी थी इसमें उन्होंने कूटा था अजवाइन को और थोड़ा सा ज़ीरा भी शायद से कूट कर उसमें डाला था और इससे इतना ज़्यादा पकौड़ियों का टेस्ट ना अच्छा आ रहा था ना, मैंने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की थी। उन्होंने पता नहीं यूट्यूब से कोई रेसिपी देखी थी पकौड़ी की या फिर आई डोंट नो, बट ज़्यादा टेस्टी उन्होंने पकौड़ों का ये बैटर बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और इसमें आलू के स्लाइसेस भी ये देखे उन्होंने कट किए हैं, काफ़ी सारे आलू के स्लाइसेस उन्होंने कट किए थे, जितना उन्होंने ऑनियन लिया था उतने ही उन्होंने आलू के स्लाइसेस कट किए थे। और इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं उन्होंने और थोड़ा सा उन्होंने हल्दी पाउडर भी ऐड किया था, मैं भी ऐड करती हूँ हल्दी पाउडर, शायद मैंने ही उन्हें बोला था। और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डाली हैं और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था और फिर मिक्स कर रहे थे अच्छे से हाथ से ही ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से सारे मसाले सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और वो इतने प्यार से मेरे लिए पकौड़े बना रहे थे और उतने ही टेस्टी वो पकौड़े बनकर रेडी हुए थे, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे। और ये देखें उन्होंने बैटर एकदम रेडी कर दिया है, थोड़ा सा थिक था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके स्पून से एक बार मैंने फिर से इसे बैटर को अच्छे से सेट कर लिया था, मिक्स कर लिया था। उसके बाद में यहाँ से प्रोसेस जो था वो मैंने स्टार्ट किया था और मैंने पैन में पकौड़ियाँ डाली थी और उनको मुझे फ्राई करना था मीडियम फ्लेम पर और ये प्याज और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक बार ट्राई करना इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको इस तरह से पकौड़ियाँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को इस तरह से कभी कभी क्रेविंग होती है, मुझे बहुत कम होती है बट हो जाती है कभी कभी कुछ चीज़ खाने की क्रेविंग, कभी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है और नाइट में ही होता है ये, रात के टाइम मुझे ऐसा होता है कि कभी मीठे की क्रेविंग हो जाती है। और कभी आज मुझे हुआ था कि मुझे पकौड़ियाँ खानी हैं, अचानक से मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी कि मेरा बहुत मन कर रहा था, बट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बनाए थे। आई होप कि आपको ये आज का मेरा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आए और अगर आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।
Oh, so.